नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत उसका पाठ 2, जी हाँ उसका पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, वो भी लिखित रूप में। तो आपको आपकी स्क्रीन पर लिखित रूप में क्वेश्चन आंसर दिखेंगे और आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। असल में बहुत सारे वीडियोस में लोगों को थोड़ा लगता है कि ये जो चैप्टर है ये दूसरा है, बट ये न्यू NCERT जो बुक है हमारी उसके अंदर जो पाठ 2 है वह यही है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हमने इस चैप्टर को 2 वीडियोस में पूरा अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। उनके और बाकी सारे वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। क्या कब कहां और कैसे, इस वाले चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और उसकी वीडियो भी अपलोडेड है लिखित रूप में, मतलब आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और लिख सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वरना आप चैनल पे खुद जाके भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आओ याद करें तो इन वाक्यों को पूरा करो। तो पहला जो क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पूरा करो, जिसके अंदर क्वेश्चन है कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, वह क्यों गुफाओं में रहते थे। तो मैं लिखित रूप में आपके सामने दोनों का लेके आऊंगा। और घास वाले मैदानों का विकास डैश साल पहले हुआ, ठीक है। तो आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो क्योंकि उन्हें यहां पर धूप, बारिश और वायु से, हवाओं से राहत मिलती थी, और घास के मैदानों का जो उद्भव हुआ वह 12,000 साल पहले हुआ। तो आप इन दोनों को आराम से नोट कर लीजिए कि वह गुफाओं में से रहते थे क्योंकि उन्हें धूप, बारिश और वायु से वह उनको राहत मिलती थी, सुरक्षा मिलती थी इन सब चीजों से, और 12,000 साल पहले घास के मैदानों का एक तरीके से आपके सामने उद्भव हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। ये तो हमारे हो गए हैं तीनों क्वेश्चन, है ना। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, और ये अब आपके सामने लिखित रूप में उत्तर आ रहा है। तो उत्तर आपके सामने है कि खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ बनाने में, बीजों को बोने में, फसल पकाने तक, फसल की देखरेख, सिंचाई करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी, इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर रहते थे। आपको समझ में आ गया कि कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए, और बीज, क्योंकि आप कृषि योग्य भूमि तो आपने बना ली, अब आप फसल कैसे होगी, आपको बीज बोने पड़ेंगे, तो आप बीज को बोएंगे। आपको पता है फसल पकाने में, मतलब फसल पकने में समय लगता है, तो फसल पकने के समय में और उसकी देखरेख करने में कि उसको कोई जानवर वगैरह ना खा ले, इसके लिए और बचाने के लिए, तो धूप, बारिश और मतलब अत्यधिक कभी बहुत ज़्यादा बारिश का ना आ जाए, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, बाढ़ वगैरह की स्थिति से बचाने के लिए, तूफान से बचाने के लिए, और सिंचाई करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी, इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर रहते थे। तो ये आपके सामने हमारा उत्तर आ गया है। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। मैंने एक चीज बताई है कि 360p पे क्वालिटी आप रखिएगा ताकि आपको अच्छे से वीडियो दिख सके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 360p पर वीडियो क्वालिटी रखिएगा और आपको बहुत अच्छे से वीडियो दिखेगी। अगर बहुत तेज लगता है तो आप स्लो कर सकते हैं वीडियो की स्पीड में जाके, धीमे लगते तो तेज कर सकते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन जो था वह दूसरा कार्य हो गया। अर्थात जो है कि केवल पहले जो थे मेहरगढ़ के लोग जो थे, पहले वो केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो हमें इसका उत्तर बताना है कि ऐसा क्यों मानते हैं पुरातत्वविद, मतलब जो इतिहासकार हैं, जो पुरानी चीजों की खोजबीन करते हैं, वो ऐसा क्यों मानते हैं। तो अभी हम इसका उत्तर बताते हैं आपको।
तो पुरातत्व विभाग द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। क्या मिली है? विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, जिनमें सबसे नीचे स्तर में जिन जानवरों की हड्डियां मिली उनमें जंगली सुअर और हिरण प्रमुख हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय मनुष्य केवल शिकार पर निर्भर था। इससे पूर्व के स्तर पर भेड़ बकरियों के कंकाल मिले, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस समय तक मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। मतलब जब पुरातत्वविदों ने खुदाई करी तो खुदाई में उनको क्या मिला? सबसे नीचे की जगह पर, क्योंकि आपको पता है जो मिट्टी की परत होती है, मिट्टी की परत ऊपर से ऊपर ऐसे जमती रहती है। मतलब अगर कोई चीज पुरानी होगी तो आपको ज्यादा नीचे मिलेगी जमीन के अंदर। तो ज्यादा जमीन के अंदर उनको सुअर, जंगली सुअर और हिरण मिले, उनकी हड्डियां मिली, उनके अवशेष मिले, मतलब उनके जो हड्डियों के टुकड़े वगैरह हैं और ऐसी चीजें मिली जिनसे पता लगा कि पहले शिकारी थे। क्योंकि आपको पता, जंगली सुअर और से या हमें हिरण से कोई दूध वगैरह तो मिलता नहीं, बट भेड़ और बकरियों से हमें दूध मिलता है। उनकी खाल से ये लोग अपनी चीजें बनाते हैं, उनके जो बाल होते हैं उनसे ऊन वगैरह बनता है भेड़ बकरियों के, तो इसलिए उन्होंने बाद में पशुपालन की शुरुआत करी। ये हमें कहाँ मिलता है? ये मेहरगढ़ के लोगों के बारे में पता लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा प्रश्न 4। तो इसमें क्या है कि जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता ही है कि आज हमारी यात्राओं में क्या समानता है और उस समय उनके जो खाद्य संग्राहक थे वो क्यों यात्रा करते थे। तो अभी हम इसका लिखित रूप में उत्तर लेके आते हैं। देखिए उत्तर आपके सामने है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के कुछ प्रमुख कारण है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने से खाने पीने की समस्या उत्पन्न होगी तो इन्हें खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ऋतु परिवर्तन अर्थात मौसम के परिवर्तन के अनुसार भी ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, घूमने का कारण था। कुछ पेड़ों में फल सब्जियां मौसम के अनुसार आती हैं, जिनकी तलाश में ये स्थान से उनको एक स्थान परिवर्तन करते होंगे, ठीक है, जिनकी तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। शिकार की तलाश में और पानी की तलाश में वह जो हमारे आखेटक खाद्य संग्राहक थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाते थे। देखिए आज की यात्रा आखेटक से बहुत अलग है, जिसके मुख्य निम्न कारण है कि आज के जो हम लोग हैं, जो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग जो खाद्य संग्राहक है वह स्कूल या दफ्तर जाने के लिए हम लोग यात्राएं करते हैं, और आज के जो लोग हैं वह कुछ लोगों को नौकरी या रोजगार की तलाश में जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। भ्रमण, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, जैसे आप लोग अलग अलग विभिन्न विभिन्न जगहों पर घूमने भी जाते होंगे, धार्मिक स्थलों पर घूमने जाते होंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आप यात्राएं करते हैं, और व्यापार से संबंधित कार्यों के लिए भी आप यात्राएं करते हैं। तो आप ये सब आराम से लिख लीजिएगा, इससे पहले वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड मिला के क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये उत्तर हो जाएगा लिखित रूप में। आप आराम से वीडियो को पॉज करके और 360p पे देखिएगा, तभी आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक हमारा 5 है। प्रश्न 5, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए किया करते थे, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे? तो अभी ये हमें उत्तर हमें इसके लिए आना है कि वह आग का उपयोग क्यों करते थे, जो पुराने समय के जो शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, वह क्यों आग का इस्तेमाल करते थे। तो लिखित रूप में आपके सामने इसका उत्तर है। तो जी हाँ, आपके सामने उत्तर है कि आखेटक खाद्य संग्राहक आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए करते थे, जिसमें पहला है अंधेरे को दूर करने के लिए, दूसरा है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, तीसरा है मांस को भूनने के लिए, और चौथा है ऋतु परिवर्तन के दौरान सर्दी के मौसम में अर्थात स्वयं को गर्म रखने के लिए। तो आपको ये चारों याद रखने हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए,
खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, मतलब जानवरों से अपनी रक्षा के लिए, मांस भूनने के लिए, और ऋतु परिवर्तन के दौरान मतलब सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो और आज हम क्यों प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, तो सर्दियों के दौरान खुद को गर्म रखने तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रकाश के लिए भी हम आग का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, अर्थात आप देखे होंगे कि आपने कैंडल देखी होंगी, ठीक है, आपने कैंडल देखी होंगी। कैंडल मतलब आपने जो मोमबत्ती होती है, ठीक है, मोमबत्ती, आप जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हो, या पहले जमाने में लालटेन हुआ करती थी, ठीक है, आपको पता है लालटेन हुआ करती थी, अब या दीपक हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों के द्वारा आप मतलब आप रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार जब जो लोग मतलब थोड़े गांव के इलाके में रहते हैं, थोड़े ऐसे क्षेत्र में जहाँ थोड़ा जंगल वगैरह है, वहां पर जानवरों को दूर भगाने के लिए आज भी इस्तेमाल होता है, और सर्दियों के दौरान खुद को गर्म करने के लिए होता है। तो आज हम आग का प्रयोग इन सब कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है। बस एक ही चीज है जो हम नहीं करते, मांस भूनने के लिए, मतलब पहले वो लोग, अब हम लोग जो है, आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास उपकरण है, जिसमें गैस है और बर्तन है, तो हम वो सब चीजों के दौरान अपने खाने को पकाते हैं, बट वो डायरेक्ट मांस को या अपने खाने को ऐसे आग पर भूनने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस समय तो वैसे भी आपको पता ही है कि वे शिकारी हुआ करते थे और आग को इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे। तो आपके सामने अभी हमारा पांचवा प्रश्न भी हो गया है, अब छठी की बारी है कि कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेट खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, तीन अंतर बताओ। मतलब जो कृषक या पशुपालक थे, जो खेती करते थे, जो और जो पशुओं का पालन करते थे, उनका जीवन आखेटक शिकारियों और जो खाद्य इकट्ठा, खाद्य संग्राहक मतलब जो खाने को इकट्ठा करते थे, आपको पता है कंद मूल और ये फल वगैरह, और उसके लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर वह घूमा करते थे, उनसे जो कृषक थे वह कैसे भिन्न थे, अलग कैसे थे, उनका हमें तीन अंतर उनमें बताने हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने लिखित रूप में ये उत्तर है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये घूमा घूम घूम कर अपना भोजन इकट्ठा करते थे और ये एक स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, एक तो उत्तर यही हो गया। लेकिन अभी आपको दो और बताते हैं हम। तो आपके सामने उत्तर है कि कृषक पशुपालक का जीवन कृषि और उससे प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर और स्थायी था, जबकि आखेटकों का जीवन अस्थायी था, उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। अभी मैंने आपको बताया इधर से उधर घूमते थे वो। दूसरा, पहला हो गया ये, दूसरा ये रहा आपके सामने, सेकंड है ये। तो सेकंड आपके सामने, कृषक पशुपालक अपने बनाए हुए आवास में रहते थे, जबकि आखेटक गुफाओं और कंदराओं में रहकर अपना जीवन बिताते थे। तो आपको एक उत्तर और मिल गया कि जो कृषक और पशुपालक थे वह लोग क्या करते थे, वह अपने घरों में रहते थे, घर बनाते थे, और आखेटक जो थे वह गुफाओं में रहते थे। तीसरा उत्तर है कि कृषक पशुपालक को भोजन कृषि उत्पाद तथा पशुपालन पर निर्भर था, मतलब जो इनका जो भोजन था, ठीक है, वह कृषि उत्पादों पर और पशुपालन पर निर्भर था, जबकि आखेटकों का जीवन जंगली जानवर और जंगल में मिलने वाले अन्य उत्पाद पर निर्भर था। जैसे आपको पता है कि वह शिकार किया करते थे, वह अपने भोजन के लिए उत्पाद इकट्ठा करते थे, मतलब पेड़ों को देखते थे जहां पे फल लगते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, फल और आपको पता है कंद मूल जड़े, तो ये जो सारी जो चीजें थी ये सब वह खाया करते थे और जंगली जानवरों को शिकार करके खाते थे। बट जो पशुपालक थे या कृषक थे वह लोग अब कृषि पर निर्भर थे, जैसे आज भी हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कृषि और पशुपालन से जो हमें चीजें मिलती है वह हम सब लोग खाते हैं। तो ये आपको तीन आपको उत्तर मिल गए हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, 360p पे वीडियो देखिएगा और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, मैं ये हटा भी देता हूँ, आराम से आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं अपने। तो दोस्तों आओ करके देखें हमारा ये हमारा अब नेक्स्ट वो है, क्वेश्चन है जिसमें हमें सात का क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे दो काम लिखे जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, दो ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती हैं,
दो वे जिन्हें सिर्फ पुरुष करते हैं, और आप अपनी सूची में आप दो साथियों की सूचियों से तुलना करो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है। तो ये आपको स्वयं करना है। जैसे अभी आपको पता ही है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही हर एक काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है आज वकालत है, वकील भी पुरुष हैं और क्या कहते हैं महिलाएं भी हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप देखें कि जो शेफ होते हैं बड़े बड़े जो खानसामा होते हैं, वह महिलाएं तो होती ही हैं हमारे घरों में, और पुरुष भी हैं। आजकल पुरुष भी खाना बनाते हैं, बहुत सारे आपने रेस्टोरेंट्स में देखे होंगे, और महिलाएं और पुरुष दोनों ही आर्मी में हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे काम हैं, और इवन कृषि में भी आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वह ट्रैक्टर चलाती हैं, अभी ट्रेन की जो ड्राइवर हैं वह महिलाएं भी हैं। तो महिलाएं और पुरुष बहुत सारे आप दो काम लिख सकते हो जिसको महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। दो ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती हैं और दो वह जिन्हें पुरुष करते हैं। ये आपके लिए है ये प्रश्न, कि ऐसे आपको घर में पूछना है और देखना है कि भाई मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुझको तो मुश्किल ही है कोई ऐसा मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे महिलाएं वह सारे कार्य करती हैं जो पुरुष करते हैं, पुरुष भी वह सारे कार्य करते हैं ज्यादातर जो महिलाएं करती हैं। तो एक दो कुछ है महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हो सकते हैं, या उनको आपको खुद अपने घर पे पूछना है, और क्या कहते हैं उसके बाद में अपनी सूची बनानी है, और उसके बाद में आप क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ तुलना करनी है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रश्न 8, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचे हैं। तो आपको पता है जैसे आटा है तो आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। चावल है तो चावल आपको पता है जो धान होता है हमारा, उसके अंदर कैसे कैसे वह उगता है, पानी खेतों में लगाते हैं, और अभी जैसे अभी आपको पता है कि अभी बोने का समय भी आ गया है, गर्मियों में ही बोया जाता है, खरीफ की फसल है चावल और रबी की फसल है गेहूं। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको बतानी है कि आप कौन कौन सा अनाज खाते हैं, आप जो है गेहूं दालें चावल जो भी है, और अगर आप खुद उगाते हैं तो आपको बताना आपने कैसे उगाया है, अगर आप खुद नहीं उगाते तो आपको बताना है कि आपके घर में वह कैसे पहुंचा। जैसे किसान ने उगाया, किसान ने फिर उसको मतलब इकट्ठा किया, उसके बाद में जो अनाज मंडी है वहां पे बेचा, अनाज मंडी से वह शहरों में आया, शहरों में बड़े बड़े गोदामों में आया, उसके बाद में शॉप्स में आया, उसके बाद में आप गए आप शॉप में या मॉल में जाके आपने वह खरीदा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न 8 भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर जो है चैप्टर का जो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, ये हमने पहले भी की थी, पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले था, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो हुआ था वह लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। तो आपको समझ में आया, और नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था, तब से शुरू होने लग गया। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ, ठीक है। तो ये सब हो गया है हमारे सामने, आप आराम से देख लीजिएगा कि ये एक तरीके से काल क्रम है कि खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहक से कैसे पशुपालक और कृषक बने, ये सब एक तरीके से कालक्रम है। तिथियां हैं महत्वपूर्ण। आपने ये पूरी वीडियो देखी मुझे पता है, और आपको अच्छी जरूर लगी होगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में है। ज्यादातर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बट ये वीडियोस बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बाकी जो वीडियोज है वो जरूर मिलती रहेंगी। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा। और वीडियो के एंड में भी एक छोटी सी मैसेज होएगा जिसके थ्रू आप मेडिटेशन के थ्रू आप बहुत अच्छी जगह अपनी आपको बहुत इंटेलिजेंट बना सकते हैं, आप बहुत ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार बन सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मैसेज होएगा, तो जो अभिभावक शिक्षक शिक्षार्थी जो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए ये मैसेज है छोटा सा। तो ये मैसेज छोटा सा आपके लिए है जिसके थ्रू आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा आपके लिए ये फायदा करेगा, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटा सा मैसेज आपके लिए।
आप इसको जरूर फॉलो करना और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ये मैसेज आपके लिए।